खबर के साथ कर रहे हैं। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा का मैच जारी है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, नीरज चोपड़ा के परिजन देख रहे हैं मैच। एथलीट नीरज चोपड़ा से देश को गोल्ड की उम्मीदें हैं। कई बाकी इवेंट्स में भी मेडल जीतने का विश्वास है। एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा का मैच जारी है। देखिए, नीरज चोपड़ा के परिजन भी मैच देख रहे हैं और एक बार फिर से कई उम्मीदें नीरज चोपड़ा से हैं। गोल्ड की उम्मीदें देखिए सबसे ज्यादा की जा रही हैं नीरज चोपड़ा से। एक बार फिर से देश ही नहीं प्रदेश का भी अपने नाम रोशन करेंगे नीरज चोपड़ा, यही आस परिजन भी लगाए बैठे और पूरा देश लगाए बैठा है। देखिए, एशियन गेम्स में जिस तरह से भारत के खिलाड़ी बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, एक बार फिर से हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा से गोल्ड की उम्मीद कर रहा है पूरा भारत। और देखिए, नीरज चोपड़ा का मैच जारी है। दूसरी तस्वीर है जहां परिवार वाले नीरज का मैच देख रहे हैं। प्रार्थना भी हो रही है नीरज चोपड़ा के लिए कि गोल्ड ही लेकर आए नीरज चोपड़ा, एक बार फिर से नाम रोशन कर दे भारत का, हरियाणा का, अपने गांव का। देखिए, एशियन गेम्स चल रहे हैं और ऐसे में भारत के खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए और अब बारी नीरज चोपड़ा की, उम्मीद उनसे की जा रही है एक बार फिर से गोल्ड लेकर आए नीरज चोपड़ा। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी जितेंद्र मेरे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। जितेंद्र, सबसे पहले तो बताइए कि परिवार के पास आप मौजूद हैं, कैसा वहां पर माहौल है, नीरज चोपड़ा की गेम देखी जा रही है? सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से देखिए, एशिया के अंदर की बात करूं मैं या वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करूं या उससे पहले जो है अदर्स जो चैंपियनशिप हुई है, उसमें लगातार नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। अभी जो है वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने जो है नंबर वन का तमगा हासिल किया, उसके बाद जो है अब वो एशिया में, और सबसे बड़ी बात है ये एशिया के लिए जो गोल्ड मेडल है, इससे पहले भी वो इसमें स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। और यहाँ देखिए, उनके गांव में हम पहुंचे हुए हैं और गांव में आप तमाम लोगों को देख सकते हैं कि किस तरीके से वो बड़ी स्क्रीन के सामने जो है नीरज चोपड़ा का मैच देख रहे हैं। और जब जब उनका जेवलिन थ्रो जो है दूर जाता है, तब तब यहाँ तालियों की आवाज सुनते हैं। और देखिए, हमारे साथ जो है नीरज चोपड़ा के जो चाचा हैं वो भी मौजूद हैं। सर, एक बार सामने ये देखिए, चाचा हैं और हर प्रकार की खुशी है गांव में, जिस तरीके से मिठाइयां होती हैं, जिस तरीके से लोगों को, तो तमाम चीजें पूरी की गई हैं। और लोग बाग देखिए, नीरज चोपड़ा के पिताजी और उनके दादाजी भी सामने बैठकर दर्शकों में जो है वो भी मैच देख रहे हैं। जी जी, बातचीत कीजिए, कितने उत्साहित हैं और क्या उम्मीद कर रहे हैं नीरज से? सर, कैसी उम्मीद लग रही है जिस तरीके से वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में, उसके बाद डायमंड लीग के अंदर जो है दूसरे नंबर पर रहे, और तमाम अगर रिकॉर्ड देखें तो नीरज चोपड़ा कहीं ना कहीं छाए हुए हैं, और पूरे देश की तमन्ना है कि आज जो है वो गोल्ड मेडल जो है वो मिले। क्या कहें? देखिए, उसकी तैयारियों को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि देश के लिए अच्छा मेडल आएगा। तो किस तरीके की तैयारियां, लड्डू तैयार हैं सर? हाँ, एक बार रिजल्ट डिक्लेयर हो और देश के लिए एक अच्छा सा, देश को गौरव बढ़ाने वाला पल आए और उसके बाद लड्डू ही बंटेंगे। जिस तरीके से नदीम था, पाकिस्तानी एथलीट था, लेकिन वो घुटने में चोट लगने के कारण वो इसमें नहीं है, प्रतिद्वंदी माना जा रहा था। अब फिलहाल देखने में लग रहा है कि नीरज चोपड़ा सबसे आगे भी चल रहे हैं, तो कैसा क्या कुछ लग रहा है? नहीं, नदीम भी बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर नदीम भी खेलता तो परफॉर्मेंस और बेटर होती, क्योंकि जब कांटे की टक्कर हो तभी खेलने में मजा आता है। नदीम अगर खेलता तो और भी अच्छा होता। सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, लोग छोटे छोटे बच्चे जो हैं, पूरे गांव जो है खंडरा गांव मिशन का माहौल है, और सभी की तमन्ना यह है कि नीरज चोपड़ा जो है, जिस तरीके का एक टारगेट है कि भारत जो है इस बार 100 पार,
जितने भी जो पदक तालिका है वो हमारी 100 से पार होगी, तो उसमें कहीं ना कहीं सभी की सभी ने सभी का एक ही लक्ष्य है कि नीरज चोपड़ा जो है उसमें स्वर्ण पदक जीते और भारत की तालिका में एक स्वर्ण पदक और बढ़ाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से अभी भारत के नाम कई गोल्ड मेडल हो चुके हैं, कुल मेडल्स की बात करें तो वो पिछली बार का जो पिछले बार जो गेम्स हुए थे इस लेवल पर उसका भी आंकड़ा पार कर चुकी है। ऐसे में नीरज चोपड़ा से बेहद उम्मीदें जो हैं जितेंद्र, वो सिर्फ परिवार वालों ने ही बल्कि पूरे देशवासियों ने लगाई हुई है। और खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जब खिलाड़ियों का जिक्र किया तो उन्होंने नीरज से भी काफी उम्मीदें जो हैं वो जताई थी। जितेंद्र सृष्टि एक बार अपना प्रश्न फिर से दोहराएं कृपया। जितेंद्र, खुद मुख्यमंत्री भी नीरज चोपड़ा से उम्मीदें जता चुके हैं कि इस बार भी एशियन गेम्स में वो भारत का परचम लहराएं और बेहतरीन परफॉर्म करके आए। और इसके पीछे अगर नीरज की मेहनत की बात करें तो उनके परिवार वालों से आप ये भी जानने की कोशिश कीजिए कि इन गेम्स के लिए कितनी मेहनत नीरज ने की थी। बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके का उनका अगर प्रदर्शन की बात करें तो देखिए एथलीट्स थी वर्ल्ड एथलीट, उसके अंदर उनका जो है पहला स्थान था, उसके बाद उससे पहले जो थी डायमंड लीग थी, डायमंड लीग में जो है वो दूसरे स्थान पर रहे। और मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री हो, उन्होंने सबको उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा जो है स्वर्ण पदक जीतेंगे। वहीं पूरे परिवार जो है, मैं आपको दिखा दूं कि देखिए अगली रो में जो है उनके दादाजी भी बैठे हैं और दूसरी रो में जो है उनके साथ ही जो है उनके पिताजी भी बैठे हैं और चाचा जी जो है वो बाहर हैं। तमाम जो मैं आपको दिखा भी दूं, देखे तमाम जो दर्शक हैं वो बाहर देख रहे हैं और मैं ये उनकी जो है ये बैठक है जिसमें बड़े बुजुर्ग जो है वो मैच का लुत्फ ले रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि बड़े बुजुर्ग जो है वो लगातार जो है इस गेम के बारे में जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि उम्मीद यही है कि नीरज चोपड़ा जो है वो देश के लिए एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेगा, क्योंकि एशिया का देखिए हम देख रहे हैं बड़ी बात ये भी है कि जो एक साथ सब इकट्ठे होकर पूरी कुर्सियां लगाई गई हैं और एक साथ मैच देख रहे हैं, बल्कि प्रार्थनाएं भी जरूर हो रही होंगी क्योंकि नीरज चोपड़ा जिस तरह से अब तक गेम्स खेलते आए हैं उन्होंने एक लेवल सेट कर दिया है अपना। अब गोल्ड से नीचे वो कोई पदक लेकर आए इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये सभी ग्रामीण है, खंडरा गांव है, नीरज चोपड़ा का पैतृक गांव है और इसमें तमाम जो है गांव के जो ग्रामीण है वो एक चौपाल होती है, एक बैठक है जिसमें आप देख रहे हैं कि देखिए कुछ बुजुर्ग जो है वो हुक्के का आनंद भी ले रहे हैं, मैच भी देख रहे हैं और लगातार जब नीरज की बाइट आती है तो कहीं ना कहीं तालियां भी बजती हैं। और दूसरी तरफ मैं कहूंगा अगर उनकी माताएं हैं तो वो दूसरी तरफ हैं, वो लगातार प्रेयर कर रही है, प्रार्थना कर रही है। लेकिन अभी तक फिलहाल जिस तरीके से ये जेवलिन थ्रो चल रहे हैं उसमें जो है नीरज चोपड़ा जो है इस समय आगे है, लीड पर है। अब देखना यह होगा कि किस तरीके से उनके कोई और दो जो प्रतिद्वंदी नहीं दिखाई दे रहे कि उनके आसपास भी जा रहे हैं, तो ये उम्मीद जरूर है कि नीरज चोपड़ा जो है जेवलिन थ्रो में जो है गोल्ड मेडल जो है वो अवश्य जीतेंगे, क्योंकि पिछली एशियाड के अंदर जो है उनका गोल्ड मेडल था और वो अपने इस गोल्ड मेडल को जो है दोबारा जो है उसकी आप ये भी कह सकते हैं जो है वो रक्षा करेंगे। मेरे सहयोगी विनय चौधरी भी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधे रुख करेंगे विनय का। विनय देखिए अभी तो हम नीरज चोपड़ा के घर की तस्वीरें देख रहे थे, किस तरह से परिवार में उत्साह है वो नजर आ रहा है, सब टकटकी लगाए नीरज का मैच देख रहे हैं। और सबसे पहले तो विनय आप पूरी जानकारी दीजिए, अभी जो गेम चल रही है क्या उसको लेकर अपडेट सामने आया है और कितनी उम्मीदें नीरज चोपड़ा से बेहतर प्रदर्शन की। सृष्टि देखिए मैं एक बार रोकूंगा आपको कि नीरज चोपड़ा की देखिए नीरज चोपड़ा फेंकने वाले और लेवल पर मुकाबले हुए हैं या मैच हुए हैं नीरज चोपड़ा के, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है और इसीलिए उम्मीद ज्यादा बढ़ जाती है। अभी का अगर ताजा अपडेट मैं आपको बताऊं तो जो पहला थ्रो नीरज चोपड़ा की तरफ से किया गया था उसमें कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई थी और उसकी वजह से कुछ देर के लिए उस मुकाबले को रोका गया था, उस पर ही मंथन चल रहा था कि क्या कुछ दिक्कतें आई हैं। और अब अपडेट ये निकलकर सामने आया कि दोबारा मौका मिला और दोबारा मौका मिला है तो उसमें 82.38 मीटर दूर, यानी इतनी दूर उन्होंने
अपना थ्रो किया है, तो ये ताजा अपडेट है। और उम्मीद की अगर बात की जाए तो उनसे मेडल की उम्मीद तो है, गोल्ड मेडल की, क्योंकि नीरज चोपड़ा पिछले कुछ जितनी भी चैंपियनशिप हुई है उनमें हम लगातार देख रहे हैं किस तरह से नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया है, प्रदेश का नाम रोशन किया है। और शायद यही वजह है कि आज इस मुकाबले को लेकर इतना ज्यादा उत्साह है। एशियन गेम्स की अगर आप बात करेंगे जो चीन के जोंगजू में चल रहा है, वहां पर हम लगातार देख रहे हैं कि भारतीय जितने भी एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और बेहतरीन प्रदर्शन इसलिए कहेंगे क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड सब टूट चुके हैं, 70 से ऊपर हम मेडल्स में निकल चुके हैं, मेडल टैली में हमारा लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। तो नीरज की तरफ से यही कोशिश रहेगी। और नीरज क्योंकि उनकी प्रैक्टिस सेशंस को हम जितना देखते हैं, जितना वो पसीना बहाते हैं एक प्रतिस्पर्धा से निकल के जब दूसरी प्रतिस्पर्धा की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उस बीच का जो समय होता है उसमें हमने नीरज को देखा है कि किस तरह से वो लगातार मेहनत करते हैं, और उसी का नतीजा है कि हर बार वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, मेडल लाने का काम कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज गोल्ड मेडल की उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाती है नीरज चोपड़ा से। और भी भारतीय हैं यहाँ पर खिलाड़ी जो भाला फेंक में हैं, यहाँ पर उनसे भी उम्मीद है, एक और खिलाड़ी भी है, लेकिन नीरज चोपड़ा से उम्मीदें ज्यादा इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ हम रिकॉर्ड देखे तो लगातार उन्होंने उसमें इजाफा ही किया है। और कितना कड़ा मुकाबला ये माना जा रहा है? देखिए नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए तो हम जिस तरह से अगर देखेंगे तो उसमें नीरज चोपड़ा अपने आप में बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, और इसी वजह से हम नीरज चोपड़ा पर ही नजर बना के रखते हैं, हम नहीं पूरी दुनिया की नजर उन पर है। टक्कर की आप बात करेंगे तो कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो कि उनको टक्कर देते हुए नजर जरूर आते हैं लेकिन आसपास भी नजर नहीं आते, और यही वजह है कि नीरज चोपड़ा से ही उम्मीदें लगी हुई हैं। और इसमें उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा हैं, इसलिए भी चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि नीरज का जो थ्रो है वो हर बार हमने देखा है कि वो बेहतर होता चला गया है। अब भी आप देखेंगे तो 82.38 मीटर बहुत ज्यादा होता है, ऐसा नहीं है क्योंकि जब हम अभी देख रहे थे ओलंपिक के समय में तो हमने देखा था कि बहुत से जो भाला फेंक के खिलाड़ी थे उन्होंने 80 मीटर तक को नहीं छुआ था, और यहां पर अगर नीरज चोपड़ा ने पहला ही थ्रो इतना अच्छा किया है तो उसमें और ज्यादा बेहतर अभी आगे देखने को मिलेगा। मैच अभी लगातार चल रहा है तो मुकाबला देखिए कोई भी मुकाबला होगा वो कड़ा ही होगा, और जितने भी खिलाड़ी आते हैं वो इसी नजरिए के साथ, इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि उनको जाकर अपने देश के लिए मेडल जीतना है। तो मुकाबला देखिए किसी भी खिलाड़ी को आप कम नहीं आंक सकते, लेकिन नीरज चोपड़ा क्योंकि लगातार पिछले कुछ इवेंट्स के आप देखेंगे नीरज चोपड़ा के तो उन्होंने उसमें मेडल लाने का काम किया है, उसमें उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। और ये वजह एशिया की अगर बात की जाए, एशियन गेम्स की अगर बात की जाए, यहां पर इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि यहां पर एशियन जितने खिलाड़ी हैं देश के वही हैं, क्योंकि विश्व लेवल पर आप देखेंगे तो एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी आप देखेंगे भाला फेंक में नजर आते हैं। नीरज चोपड़ा को उन्होंने कई बार टक्कर दी है लेकिन यहाँ पर नीरज चोपड़ा से उम्मीद इसीलिए ज्यादा हो जाती है क्योंकि विश्व स्तर पर ओलंपिक में आप देख लीजिए या अन्य स्पर्धाओं में आप देख लीजिए वहां पर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लाने का काम किया है। जो जितेंद्र है वो भी कुछ तस्वीरें दिखा रहे थे नीरज चोपड़ा के घर पर, वो मौजूद हैं, सीधे जितेंद्र का रुख करेंगे। और जितेंद्र, जैसा कि विनय ने जानकारी दी, वो बोल रहे हैं पहला थ्रो जो था वो शानदार रहा है नीरज का, अभी आगे गेम जारी है। जितेंद्र जितेंद्र आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए संपर्क शायद जितेंद्र से टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। अच्छा जितेंद्र, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो कुछ तस्वीरें आप दिखा रहे थे वो दिखाइए, साथ ही जैसा कि विनय ने भी जानकारी दी कि पहला थ्रो अच्छा रहा नीरज चोपड़ा का, गेम अभी लेकिन जारी है और टकटकी लगाए सभी कहीं ना कहीं मैच पर नजर बनाए हुए हैं। जितेंद्र शायद जितेंद्र से संपर्क टूट गया है, दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करेंगे और सीधे अब विनय का रुख करेंगे। विनय, जैसे कि मुकाबले की बात हो रही थी, कड़ा मुकाबला जरूर रहता है क्योंकि जब इतने बड़े लेवल के गेम्स होते हैं तो उसमें किसी को भी अपने से कम आंकना ये सही नहीं है। और जो अन्य देशों की अगर बात करें तो एक से एक बेहतरीन खिलाड़ी विनय पहुंचे हैं एशियन गेम्स में।
देखिए एशियन गेम्स की अगर बात की जाए तो देखिए चाहे आप चीन की बात कर लीजिए या आप जापान की बात कर लीजिए, देखिए एक तो चाइना की अगर आप बात करेंगे तो वो अपने घर में क्योंकि इस बार वो खुद मेजबानी कर रहे हैं तो बेहतरीन प्रदर्शन होता ही है। और हमने देखा है कि बड़े इवेंट्स में हमने देखा है चाइना हो या जापान हो इनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन होता है, लेकिन भारत की तरफ से इस बार जो प्रदर्शन हुआ है आप पिछले कुछ बड़े इवेंट्स को आप उठा के देख लीजिए, भारतीय एथलीट्स भारतीय खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है वो वाकई में लाजवाब रहा है। और इस बार भी इसी वजह से क्योंकि देखिए पिछली बार की पूरी हिस्ट्री पूरे इतिहास को आप उठा के देखेंगे तो इतने मेडल कभी भी नहीं आए हैं भारतीय खिलाड़ियों के लिए जितने इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने मेहनत की है और उसका नतीजा दिख रहा है। नीरज चोपड़ा को आप हमेशा ही देखते हैं कि जब भी एक इवेंट में वो अपना बेहतरीन प्रदर्शन देकर आते हैं तो उसके बाद जो बीच का ट्रेनिंग का समय होता है उनका उसमें हमने देखा उनको लगातार उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की है और उस मेहनत का नतीजा उनको हर बार मिलता है। आप गोल्ड मेडल की अगर आप बात करेंगे तो इसीलिए उम्मीद उनसे ज्यादा बढ़ जाती है। यहां पर जो जितने भी खिलाड़ी हैं देखिए हर एक अपने अपने लेवल पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है और भाला फेंक में क्योंकि देखिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है, बहुत ज्यादा कोशिशें यहां पर होती है और जितने भी आपको चांसेस मिलते हैं उसमें हर खिलाड़ी हर यही चाहता है खिलाड़ी कि वो किसी भी तरह से जो पिछला थ्रो उसने फेंका है उससे और ज्यादा बेहतर करे। और यही बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखिए 82.38 की अगर आप बात करेंगे जो उन्होंने भाला फेंका है पहली बार में तो उसके बाद जो आगे के चांसेस हैं उसमें भी हम यही उम्मीद करेंगे कि नीरज चोपड़ा अपने पिछले जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उनको यहां पर ध्वस्त करें, गोल्ड मेडल के लिए किसी को भी कोई मौका दे ही ना, उनके आसपास कोई फटके ही ना। और यही वजह है कि ना सिर्फ नीरज चोपड़ा के घर में क्योंकि हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, नीरज चोपड़ा के घर की बात नहीं है, उनके गाँव की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की पूरे देश की इसके साथ साथ पूरी दुनिया की भी नजरें बनी हुई है नीरज चोपड़ा पर क्योंकि नीरज चोपड़ा आज एक यूथ आइकन बन चुके हैं। और नीरज चोपड़ा जिस तरह से पिछले कुछ प्रतिस्पर्धाओं में प्रदर्शन करते हुए आए हैं उन्होंने अपने प्रदर्शन को ना सिर्फ दोहराया है बल्कि उससे बेहतर ही किया है सृष्टि। और यही वजह है कि उम्मीद है जितेंद्र से जान लेते हैं, जितेंद्र अभी कितने राउंड बाकी हैं इस गेम के? अभी देखिए जो है 3 राउंड जो है अभी अभी फिलहाल बाकी हैं आप देख सकते हैं कि लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से परिवार के साथ तमाम जो लोग हैं गांव के जो लोग हैं बच्चे हैं सभी को एक ही उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा जो है इस एशिया के अंदर भी जो है स्वर्ण पदक जीतेगा। फिलहाल जो है तैयारियां भी पूरी हो रही हैं, एक तरफ जो है परिवार की जो माताएं हैं महिलाएं हैं वो प्रार्थना कर रही है, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि परिजन जो है वो लगातार जो है तमाम ग्रामीण जो है संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लोग बाग इकट्ठे होते जा रहे हैं और मैच के बारे में यही है जब भी हमने कोशिश की पूछने की तो उन्होंने कहा कि देखिए पूरा देश जो है नीरज को प्यार करता है और नीरज जो है हमेशा की तरह जो है इस बार भी जो है स्वर्ण पदक लाकर जो है भारत की जो तालिका है उसको जो है वो बढ़ाएगा क्योंकि सबसे बड़ी बात यही थी कि इस बार का जो लक्ष्य रखा गया वो 100 पार का रखा गया और नीरज चोपड़ा से ये चाहते हैं लोग बाग कि वो स्वर्ण पर निशाना लगाकर जो है अपने जो उनका एशियाड में जो पहला स्वर्ण पदक था उसकी वो रक्षा करें और इस बार भी जो है वो स्वर्ण पदक विजेता कहलाए। तो सबसे बड़ी चीज ये भी है कि लोगों में यहाँ पर बच्चों में सभी में उत्साह है और जेवलिन के लिए देखिए इतना लोगों के अंदर चाव है, इससे पहले नीरज चोपड़ा से पहले जिस तरीके से नीरज चोपड़ा ने जेवलिन को लेकर जो है एक क्रेज पैदा किया वो अपने आप में काबिले तारीफ है। कल आप देखिए कि कल इसी इवेंट में जो है अंजू ने जो है वो देखिए उसने भी जेवलिन थ्रो के अंदर जो है गोल्ड मेडल जीता। तो आप समझ सकते हैं आपको रोक रही हूं क्योंकि अब विनय यहां पर कुछ अपडेट देना चाहते हैं। जी विनय बिल्कुल श्रेष्ठी, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता देते हैं, दूसरा थ्रो फेंका है और दूसरा थ्रो जो फेंका है नीरज चोपड़ा ने वो 84.49 का फेंका है, यानी आप समझिए कि इससे पहले का जो थ्रो था वो 82.38 का था और इसमें जैसा कि मैं इससे पहले भी बात कर रहा था लगातार आपको अपडेट दे रहा था कि हर भाला फेंक का खिलाड़ी जो होता है वो ये कोशिश करता है कि उसका जो आने वाले थ्रो हो वो उससे भी बेहतर हो और इसमें आप देख सकते हैं कि वो जो दूरी है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया है नीरज चोपड़ा ने 84.49 मीटर अपने आप में ही पिछले थ्रो की अगर आप तुलना करेंगे तो उसमें काफी ज्यादा है और हम चाहते हैं कि नीरज चोपड़ा इसी तरह से आने वाले जो थ्रो हैं उसमें और ज्यादा इस दूरी को बढ़ाएं जिससे कि गोल्ड मेडल की उन जो बात कर रहे हैं वो सीधे सीधे एक तरफा हो जाए। और पिछले कुछ इवेंट्स की अगर बात की जाए नीरज चोपड़ा की तो मैं एक रिकॉर्ड अपने पास लेकर आया था जिसमें नीरज चोपड़ा की अगर बात की जाए 2023 का ही आप देख लीजिए दोहा डायमंड लिंक की अगर आप बात करेंगे तो उसमें उन्होंने 88.67 यानी अभी जो दूसरा थ्रो फेंका है उसमें भी
उनको और ज्यादा मेहनत करनी होगी अगले थ्रो के लिए, तब जाकर वो अपना दोहा वाला जो रिकॉर्ड होगा उसको ध्वस्त करेंगे। डायमंड लीग की आप बात करेंगे तो उसमें उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था 87.66, यानी ये दोहा से तो कम था लेकिन अपने आप में ये एक अच्छी खासी दूरी है, और इस दूरी तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा जान, बहुत ज्यादा कोशिश करनी होती है। आप विश्व एथलेटिक्स चैंपियंस की आप बात करेंगे जो बुडापेस्ट में हुई थी, उसमें पहला स्थान हासिल किया था 88.17 मीटर की अगर आप बात करेंगे तो वो उन्होंने फेंका था। ज्यूरिख डायमंड लीग की आप बात कर लीजिए, दूसरे स्थान पर रहे थे 85.71 मीटर का रहा था। डायमंड लीग जो अभी हाल ही में हमने देखा तो उसमें भी दूसरा स्थान मिला था और 83.80। ओवरऑल जो सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन है नीरज चोपड़ा का वो 88.77 का है, यानी हम चाहेंगे कि आज जो नीरज चोपड़ा की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं इसमें वो अपना सर्वश्रेष्ठ रिकॉर्ड तोड़े, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दें जिसकी वजह से भारत को एशियन गेम्स में एक और गोल्ड मेडल मिले, सोने का तमगा मिले। बिल्कुल, और जैसे कि विनय आज खुद हमने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी सुना, हालांकि इससे पहले भी वो ये बात कह चुके हैं कि जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं उनका एक बहुत बड़ा रोल होता है भारत को मेडल दिलाने में, और इस बात को कहीं ना कहीं एक बार फिर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो दोहराते नजर आए। उन्होंने एशियन गेम्स का जिक्र किया, उन्होंने कहा जितने मेडल्स मिले हैं उसमें कई मेडल्स हरियाणा के खिलाड़ियों ने दिलाए हैं, और एक बार फिर से प्रदेश का हरियाणा का खिलाड़ियों ने नाम रोशन किया है। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ियों के मामले में आप देखिए तो हरियाणा हमेशा ही नंबर वन रहा है, ये खिलाड़ियों का हब है, यहाँ से हमने हर तरह की प्रतिस्पर्धा में देखा है कि हरियाणा के खिलाड़ी हमेशा ही आगे रहे हैं। शायद ही कोई विश्व स्तर पर हो या फिर आप देखिए नेशनल लेवल पर हो या स्टेट लेवल पर हो, किसी भी तरह की अगर प्रतियोगिता में हम देखते हैं तो हरियाणा के खिलाड़ियों का नाम आपको वहाँ पर ऊपर ही नजर आएगा, और यही वजह है कि लगातार हरियाणा के, क्योंकि देखिए अभी ये जो एशियन गेम्स की अगर आप बात करें चल रहे हैं लेकिन काफ़ी हिस्सा निकल चुका है, और उसमें अगर आप नाम देखेंगे कर तो उसमें हरियाणा के बहुत से खिलाड़ियों का नाम है और अलग अलग प्रतियोगिताओं में है, और यही वजह है कि हरियाणा के खिलाड़ियों से उम्मीद इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि शुरुआत से ही परवरिश की आप बात कर लीजिए तो वहां से ही कहीं ना कहीं जो जींस में आप कहते हैं खेल यहाँ के लोगों में है, यहाँ के खिलाड़ियों में है, और यही वजह है कि वो मेहनत करते हैं। पहलवानी की आप बात कर लीजिए, बॉक्सिंग की आप बात कर लीजिए, इसके अलावा आप एथलेटिक्स के अलग अलग गेम्स की आप बात कर लीजिए। नीरज चोपड़ा जो पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि किस तरह से उभर कर सामने आए, एक युवा आइकन बने हैं, और ये सिर्फ नीरज चोपड़ा नहीं है, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको देखकर और भी खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो आज रिकॉर्ड टूटा है, पिछले जितना इतिहास हमने देखा एशियन गेम्स का वो अगर टूटा है, वो इतिहास अब नए तौर पर लिखा जाएगा, तो वो सिर्फ इसलिए कि हरियाणा के खिलाड़ियों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। नीरज चोपड़ा, क्योंकि देखिए ये एशियन गेम्स की अगर आप बात कीजिए तो एशिया लेवल पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं और विश्व लेवल पर आते हैं तो उसमें फर्क होता है। विश्व लेवल पर आपको और ज्यादा मेहनत करनी होती है, आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है, यहाँ एशियन गेम्स में यही वजह है कि नीरज चोपड़ा अपने जो थ्रो की अगर आप बात करेंगे तो लगातार उसको बेहतर कर रहे हैं, और बेहतर कर रहे हैं तो हम यही चाहेंगे कि वो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करें। और पिछले रिकॉर्ड को खुद वो ध्वस्त करें, ये उम्मीदें सिर्फ नीरज चोपड़ा की ही नहीं है बल्कि पूरे देश की है। तो ऐसे में जितेंद्र 89.94 मीटर का जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था खुद नीरज चोपड़ा ने बनाया था, और अब उनकी कहीं ना कहीं उम्मीदें होंगी कि 90 मीटर के आंकड़े को भी आज वो पार कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि लगातार जो है वो अपने रिकॉर्ड को जो है बेहतर करना चाहेंगे हर चीज के अंदर, और नीरज चोपड़ा ने सबसे बड़ी बात है चाहे विषम परिस्थितियों, चाहे अफ्रीकन हो या अमेरिका हो, जिस तरीके से डायमंड लीग हुई, अलग अलग उसका अलग अलग जो है अलग अलग उसके इवेंट हुए, इवेंट में उन्होंने कई इवेंट में वो विनर भी रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो उनका खुद का एक रिकॉर्ड है उसको वो तोड़ना चाहेंगे, और उसके साथ साथ जो है एशिया के अंदर इस समय जो स्वर्ण पदक जीतना चाहेंगे तो उसमें एक रिकॉर्ड भी बनाना चाहेंगे ताकि वो रिकॉर्ड बने, और सबसे बड़ी बात यही है, यही उम्मीद है। लेकिन गांव वालों को, तमाम देशवासियों को एक ही उम्मीद है कि नीरज चोपड़ा इस बार फिर गोल्ड जीते, और यहां पर आपको मैं वो दृश्य भी दिखाऊंगा कि जब लड्डू बटेंगे परिवार जो है नाचता है, गाता है, और पूरा गांव जो है सम्मिलित होकर देखिए इस खुशी में शामिल होता है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए सबसे आगे जो है वो उनके पिताजी बैठे हैं दर्शकों में, दूसरी लाइन में उनके दादा बैठे हैं, और चाचा जो है वो चारों तरफ घूम रहे हैं, बच्चे जो है गांव के आ रहे हैं देख रहे हैं। दूसरी तरफ की अगर मैं बात करूं तो उनकी माताजी हैं,
हैं, उनके परिवारजन हैं, जो महिलाएं हैं वो बैठ के मैच देख रही हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि लोग बाग जो है ये चाहते हैं कि इस इवेंट के अंदर जो है स्वर्ण पदक जीते, लेकिन एक रिकॉर्ड के अनुसार, एक रिकॉर्ड भी नीरज चोपड़ा तय करें जेवलिन के अंदर, एक मील जो मील का पत्थर साबित हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, जब हमने पाकिस्तान की बात की थी, पाकिस्तान का जो एथलीट है जिसको घुटने की चोट लगी थी और जो नदीम जो है वो इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रहा, तो परिजनों का यही कहना था, देखिए नदीम का भी बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है नीरज को, नीरज को अपना गुरु मानता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नीरज चोपड़ा को कि नदीम खेल रहा है या नहीं खेल रहा, वो अपने प्रदर्शन को जितना बेहतर हो सकता है वो बेहतर करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई है, डायमंड लीग हो या डायमंड लीग हो या वर्ल्ड एथलीट्स को लेकर, उन्होंने लगातार रेगुलर जो है वो प्रैक्टिस की है, कभी भी गांव में आना नहीं हुआ, लगातार उनका फोन पे संपर्क जरूर रहा है, जब जब वो जीते हैं तब तब उन्होंने घर पे जो है अपने पिता से, अपने दादाजी से, अपनी माताजी से जरूर बात की है, लेकिन परिजन भी यही चाहते हैं कि वो जल्दी जो है ये रिकॉर्ड, इसमें रिकॉर्ड बना के एक बार घर पर आए और उसके बाद जो है फिर देखिए फिर से जो है ओलंपिक को लेकर तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं जो है जिस तरीके की तैयारियां हैं और गाँव में जिस तरीके का ये दृश्य है, ये बड़ा शोभनीय दृश्य है, इसके बारे में मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है जिनको नहीं पता वो आते हैं, ताली बजाते हैं और देखते हैं। और सबसे बड़ी बात है बुजुर्ग जो है वो देख रहे हैं कि आप हुक्का पी रहे हैं और लगातार हर इवेंट दिख रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में इवेंट बदल देते हैं, जिस तरीके से इवेंट चल रहे हैं, जेवलिन का आ जाता है, रिले का आ जाता है, ये लगा लीजिए हर इवेंट आ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है लोगों की निगाहें उसी पर है कि कब जो है नीरज चोपड़ा का इवेंट शुरू हो। देखिए और सबसे बड़ी बात है जेवलिन के अंदर जो है छह बार जेवलिन को जो है एक प्रतियोगी जो है वो फेंकता है, जिस तरीके से मेरे साथी ने बताया कि दो बार का रिकॉर्ड हो चुका है, अभी चार बार और फेंकना बाकी है, तो उसमें हम देख सकते हैं, हो सकता है नीरज चोपड़ा इसमें जो है अपना एक विश्व कीर्तिमान भी स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल, वो आने वाला समय बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये यहां पर सभी लोगों के लिए पास जाना चाहूंगी। विनय, विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक और एशिया खेलों के चैंपियन नीरज चोपड़ा, प्रेशर की बात होगी क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं इस गेम में उनको अपना ही खिताब बनाए रखना ये एक बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखिए चुनौती तो होती है, लेकिन अपडेट्स भी लगातार देना जरूरी है दर्शकों को, और अपडेट्स हम लगातार बता रहे हैं कि जो दूसरा थ्रो था वो बहुत बेहतर रहा है, 84 से बहुत ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरी लिस्ट की अगर आप बात करेंगे, सूची की अगर आप बात करेंगे, तो जो टॉप खिलाड़ी है वो भारत के ही है, पहले नंबर पर नीरज चोपड़ा चले ही रहे हैं, दूसरे नंबर पर किशोर है, और ये भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतेंगे तो सिल्वर मेडल फिर किशोर के हाथ पे आएगा, तो ये जेवलिन में दो मेडल एक साथ आने वाले हैं, ये ताजा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और लगातार देखिए, क्योंकि हर एक थ्रो बेहतर होता जा रहा है नीरज चोपड़ा का, जो चीज हम लगातार देख रहे हैं, और तीसरा थ्रो अभी फेंका जा रहा है, ये अपडेट लगातार मेरे को न्यूज रूम से भी मिल रहा है, क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे न्यूज रूम के जरिए लगातार अपडेट दिए जा रहे हैं, और हम ये अपडेट लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पहला थ्रो और उसके बाद दूसरा थ्रो, पहले से कहीं बेहतर दूसरा, अब तीसरे पर नजर है, और तीसरे पर नजर है तो इसके अलावा किशोर की अगर आप बात करेंगे तो उन पर भी नजर बनी रहेगी, नीरज के अलावा, किशोर के अलावा जो नीरज के घर पर माहौल है वो हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से उम्मीद बनी हुई है। गोल्ड मेडल की उम्मीद इसलिए है कि नीरज चोपड़ा लगातार पिछली कुछ प्रतिस्पर्धाओं में जिस तरह का बेहतरीन प्रदर्शन करके आए हैं वो और ज्यादा इन उम्मीदों को बढ़ा देता है। एक बार विश्व रिकॉर्ड की अगर बात की जाए, आप ओवरऑल जितने भी भाला फेंक के खिलाड़ी रहे उन विश्व रिकॉर्ड के बारे में मैं एक बार आपको बता देता हूं, जो कि बहुत ज्यादा दूरी के रहे हैं, विश्व रिकॉर्ड जान जनी का है, जिन्होंने एक बार फटाफट से वो भी बता दीजिए। देखिए तीसरा थ्रो फेंका जा रहा है, और देखिए ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी थ्रो आपका बेस्ट होता है उस थ्रो को आप गिनते हैं कि जिसमें आपने सबसे दूरी पर फेंका है। इसके अलावा किशोर पर भी हमारी नजर बनी हुई है, दो थ्रो हो चुके हैं, तीसरा थ्रो चल रहा है, और तीसरा थ्रो को अपडेट बस आने वाला है थोड़ी देर में, जैसे ही अपडेट आएगा आपको ये बता देंगे कि कितनी दूरी पर नीरज ने अपना तीसरा थ्रो किया है। और क्योंकि देखिए पहले से बेहतर दूसरा रहा है तो ये उम्मीद अपने आप बढ़ जाती है कि दूसरे से बेहतर तीसरा रहेगा, और तीसरे में अपने आप में ही अगर नीरज चोपड़ा इसे को बढ़ाते हैं, देखिए पहला रहा था 82.38 का, दूसरा रहा 84.49 का, और तीसरे थ्रो का बस रिजल्ट आने वाला है सामने। अभी अभी फिलहाल के लिए बता रहे कि कोई फाउल हो गया है, यानी कि उसमें तीसरे थ्रो में कुछ नहीं हुआ है, ये मेरे पास ताजा अपडेट आया अभी न्यूज रूम से, तो अभी हमें इंतजार करना होगा और ज्यादा अपडेट्स निकलने का। अभी अभी जो दो थ्रो आप बता रहे हैं उनसे भी उम्मीद है, जो दो थ्रो आप बता रहे हैं कहीं ना कहीं नीरज के जो बेस्ट थ्रो है उनके मुकाबले थोड़े कम रहे हैं।
क्योंकि बेस्ट थ्रो नीरज का 89.94 मीटर का रहा है। क्योंकि नीरज देखिए बिल्कुल 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 जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बेस्ट थ्रो जो रहा है नीरज का ही रहा है अभी तक, और खिलाड़ी अभी उनसे पीछे हैं। ठीक है, देखिए मैं एक बार अपडेट ले लेता हूँ, अपडेट मेरे पास लगातार आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहा है 84.49 का मैं दूसरा थ्रो बता रहा था, तीसरे में फाउल बता रहा था। और किशोर की अगर बात की जाए तो किशोर भी लगातार उन पर भी अपडेट हम बनाकर रखे हुए हैं, अपडेट्स मेरे पास लगातार आ रहे हैं। मैच पर पूरी नजर बनी हुई है, हमारा पूरा न्यूज रूम के साथ साथ चाहे वो नीरज चोपड़ा के घर वाले हों या फिर देश के अलग अलग जगहों पर इस मैच को देखा जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कितना फेंका है 86.77। ये अपडेट आया ताजा सृष्टि मेरे पास 86.77 मीटर का। आप समझ सकते हैं कि जो मैं लगातार कह रहा था कि जब पहला थ्रो फेंका जाता है तो उससे और बेहतर होता जाता है थ्रो, तो यानी पहला थ्रो था उसके बाद दूसरा और अब ये थ्रो और ज्यादा बेहतर आगे बढ़ा है, यानी नीरज चोपड़ा लगातार आगे बने हुए हैं। पहले की अगर बात करें तो उन्होंने अब किशोर ने नीरज चोपड़ा से बेहतर थ्रो किया है इसका मतलब, और ये अब आप जो क्योंकि हम किशोर और नीरज दोनों की बात कर रहे हैं तो किशोर पर भी नजर बनी हुई है, नीरज पर भी बनी हुई है। गोल्ड मेडल नीरज लाते हैं और सिल्वर मेडल अगर किशोर लाते हैं, और किशोर अगर गोल्ड मेडल लाते हैं, नीरज चोपड़ा अगर सिल्वर मेडल लाते हैं, तो ये खुशी की बात है दोनों ही तरफ से हमारे लिए। बिल्कुल देखिए आपने आप दो खिलाड़ी दो जो भारतीय खिलाड़ी हैं आप उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन मेरा आपसे सवाल देखिए विनय इस बीच ये भी था कि क्योंकि अभी एशियन गेम्स चल रहे हैं सेकंड राउंड की, जिसमें आपने बात की 84.49 आपने बताया थ्रो उनका ये रहा है, लेकिन सवाल मेरा ये भी था कि इससे पहले किशोर ने ज्यादा कर दिया सृष्टि, किशोर ने ज्यादा कर दिया किशोर ने, लेकिन मैं नीरज की अगर बात करूं विनय, नीरज चोपड़ा को क्रॉस कर चुके हैं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर मैं नीरज चोपड़ा की बात करूं तो उनका खुद का जो रिकॉर्ड था अब तक सबसे ज्यादा दूर भाला फेंकने का था वो था 89.94 मीटर, और कहीं ना कहीं इस गेम्स में भी इन गेम्स में भी नीरज के ऊपर ये एक प्रेशर था कि अपने ही रिकॉर्ड को वो तोड़ सके। देखिए जीत हार एक अलग है, लेकिन जिस तरह से 89.94 मीटर का नीरज इससे पहले वाली गेम्स में थ्रो कर चुके हैं, कोशिश नीरज की यही थी कि उससे बेहतर इन गेम्स में करके दिखाएं। देखिए हर खिलाड़ी की ये उम्मीद रहती है कि जिस भी प्रतिस्पर्धा में वो जा रहा है वो अपने देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए, अपने रिकॉर्ड्स को ध्वस्त करेगा तभी वो अच्छा प्रदर्शन उससे बेहतर करेगा, पिछली बार से प्रदर्शन अच्छा करेगा और वो रिकॉर्ड्स को तोड़कर ही गोल्ड मेडल आप ला सकते हैं। और यही कोशिश में क्योंकि ट्रेनिंग सेशन की मैं लगातार बात कर रहा था नीरज चोपड़ा की, नीरज चोपड़ा जब अपना प्रशिक्षण करते हैं जब अपनी मेहनत करते हैं उस समय हमने लगातार देखा है कि किस तरह से नीरज चोपड़ा ने पसीना बहा है, और उसका ही तो ये नतीजा है कि पिछली कितनी भी आप लीग को अगर उठा के देखेंगे उन लीग्स में हमें हमेशा ही नीरज चोपड़ा ने बेहतर प्रदर्शन किया है, और इस बार भी नीरज चोपड़ा पर नजर बनी हुई है, साथ साथ भारत का दूसरा खिलाड़ी भी है उस पर भी नजर बनी हुई है, उन्होंने उससे भी बेहतर कर दिया है, तो यह और ज्यादा खुशी की बात है कि नीरज चोपड़ा से सीख रहे हैं बाकी के युवा खिलाड़ी और आगे बढ़ रहे हैं। यानी इस लीग की अगर आप बात करेंगे, इस पूरे गेम की अगर आप बात करेंगे तो नजर पूरी दुनिया की सिर्फ दो खिलाड़ियों पर है, एक नीरज चोपड़ा पर जो अपना रिकॉर्ड अपना पिछला ही रिकॉर्ड तोड़ने पर नजर बनाए हुए हैं मेहनत कर रहे हैं, और दूसरा किशोर पर। बिल्कुल दोनों खिलाड़ियों पर नजर रहने वाली है। जितेंद्र अब मैं आपका रुख करूंगी क्योंकि देखिए अभी तक जो कहा जा सकता है जो स्कोर सामने आए हैं उससे यही उम्मीद की जा रही है कि भारत के खिलाड़ी बेहद बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, भले ही वो नीरज हो या फिर किशोर ही क्यों ना हो, और कहीं ना कहीं अगर क्योंकि आप नीरज चोपड़ा के घर के बाहर हैं तो नीरज से भी पूरी पूरी उम्मीदें बनी हुई हैं, और बड़ी बात यह है कि 2023 का ये साल का आखिरी मुकाबला जो है वो नीरज का रहने वाला है, तो कोशिश उनकी भी होगी कि इस साल के जाते जाते ये जो मुकाबला वो खेल रहे हैं उसमें कुछ ऐसा कमाल कर दिखा जाए कि एक बार फिर से राज्य का ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन कर दे नीरज। बिल्कुल बिल्कुल देखिए इसमें कोई दो राय नहीं, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं निकल करके किस तरीके से किशोर जो है देखिए लगातार जो है इस तरीके की मेहनत और उनके कदमों पर चलकर उनके ही उनसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो है तीन इवेंट आने जो है तीन थ्रो जो है और बाकी है, अभी नीरज चोपड़ा के तीन थ्रो और आएंगे, उसमें हो सकता है कि वो एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दें, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे लिए खुशी की यही बात है, जिस तरीके से पिछली बार एशियाड के अंदर हमारी
अंक हमारी जो तालिका थी, पदक तालिका थी, वो एक सिमट के रह गई थी, तो इस बार 100 पार के करीब जाती दिखाई दे रही है। बैडमिंटन की बात करें, बैडमिंटन में जो है लगातार जो है वो खिलाड़ी जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। और जेवलिन की बात करें तो लगातार जो है, देखिए किशोर को लेकर जो है कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से किशोर ने अपना कद बढ़ाया है और जिस तरीके से वो जेवलिन थ्रो में अपना नाम कमा रहे हैं, वो भी अपने आप में काबिले तारीफ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि नीरज चोपड़ा से जो है लोग बाग उम्मीद करते हैं, जिस तरीके से उनकी सादगी है, वही पूरा परिवार जो है वो परिवार भी चाहता है कि नीरज के साथ साथ किशोर जो है, किशोर भी जो है वो भी कोई ना कोई मेडल जीते, और ताकि उसको लेकर भी देश गौरवान्वित हो। और सबसे बड़ी बात जो आपने लास्ट में कहा कि ये साल लास्ट का समय है, ये साल जाने वाला है, तो हमेशा जो नीरज चोपड़ा है उसकी उम्मीदें यही रही है कि कहीं ना कहीं वो एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करें जो विश्व स्तरीय हो और जिसको देखकर लोग बाग जो है गौरवान्वित हों और देश के लिए वो अच्छे से अच्छा कर सके। लेकिन ये इवेंट का इवेंट है, हर दिन जो है एक प्लेयर के लिए सामान्य नहीं रहता, कभी कभी जो है एथलीट्स को भी दिक्कत हो जाती है। लेकिन फिलहाल जो है लगातार अभी तीन थ्रो बाकी है, अब देखना यह है कि इसमें जो है किशोर और नीरज जो है वो क्या कुछ कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल गांव की तस्वीर यही है कि गांव में जो है सब लोग